लवबर्ड के अंदर जो एक्सपोर्टेड बर्ड था, यानी इम्पोर्टेड बर्ड जो था, आप बताएं मुझे कि इम्पोर्ट करते हुए इतना बड़ा जुल्म कैसे हुआ कि 3,000 वाला बर्ड 60,000 में लोगों को दिया गया इम्पोर्ट करते हुए, ये कैसे हुआ ये? सवाल मेरे ख्याल में आप पूछ तो रहे, लेकिन इससे कुछ लोगों का दिल भी दुखेगा। अच्छा तो अगर रहने दे तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, मैं ग्रीन उपलाइन की बात कर रहा हूँ। नहीं मतलब इसका जवाब देखिए समझने की बात है। चले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ऐसे फिर जब एक म्यूटेशन किसी मुल्क में नापैद होती है या सेलेक्टेड लोगों के पास होती है तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। सही इसमें इम्पोर्टर को हम भी पहले बुरा कहते थे कि यार ये क्या काम किया है, सही 6,000 का बर्ड 60,000 में उतारा। लेकिन कोई हम मतलब होता है ना कि मेच्योरिटी लेवल होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना हॉबी के अंदर हमारा जहन भी मेच्योर होता है। मैं कहूँगा मेरा जहन भी मेच्योर हुआ। अब इसके आगे का जवाब भी सुने, क्या उस वक्त वो बर्ड 60,000 का मार्केट में कोई और दे रहा था? नहीं, अब आप बताएं तो इम्पोर्टर का काम क्या है। इम्पोर्टर का बेसिकली काम ये, एक महंगी म्यूटेशन है वो, अगर उसको बाहर के मुल्क से सस्ती पड़ रही है और मार्केट में गैप है, खरीदने वाले हैं, तो वो लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। सिंपल ये है इम्पोर्टर। सही तो उस वक्त देखिए वक्त के फिरौन हम सारे बने हुए थे, जिन जिन खैर मेरे पास तो बहुत बड़े देर से आया था, जो जो उस वक्त सेल कर रहे थे वो लाख लाख सवा लाख का कर रहे थे। इम्पोर्टर ने 60,000 रुपये में उतार दिया। अब वो और बात है, उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट 6,000 की चल रही थी, ये एक उसके फेवर में बात पाकिस्तानी हुई। 6,000 रुपए की। अंदाजन मोर और लेस 6,000 12,000 ऐसे चल रही थी वो 60,000 में। लेकिन ये कि हमारी अप्रोच तो नहीं थी ना। अब मैं खड़ा होकर मैं तो नहीं उस रेट पे ले सकता था ना माल, और इम्पोर्टर ने वो मार्केट का गैप देखा, उस गैप में बर्ड उतारा। इसमें कोई बुरी बात नहीं है ना, उसने ज़बरदस्ती हमको बेचा कि यार रख लो, झूठे वादे करे कि हमें ये बहुत सारा बर्ड ना कमा के देगा। नहीं, हम सब ने खुद जाके लिया, उसके अंदर पोटेंशियल हमने खुद देखा वो बर्ड। इसमें इम्पोर्टर का कोई कसूर नहीं है। तो अभी आजकल क्या मतलब सीन बनेगा? इनको एक्सपोर्ट होंगे बर्ड्स वगैरह, लव बर्ड वगैरह? एक्सपोर्ट तो माशाल्लाह से ये कुछ लोगों की काविश है, बहुत ज़बरदस्त एक्सपोर्ट हो रहा है, जिसमें मैं ये बोलूँगा। चले अब थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं। अगर हम कहते हैं कि इम्पोर्टर्स ने काम ख़राब किया, सही, कितने इम्पोर्टर्स ने मुंह दिया है हमें? एक इम्पोर्टर ने, मंगाने वाले इम्पोर्ट करने वाले 4-5 थे, मुंह देने वाला सिर्फ अभी अभी इस वक्त मार्केट में सिर्फ एक इम्पोर्टर है जो एक्सपोर्ट कर रहा है। मुल्क के अंदर माल लाया तो मुल्क से बाहर माल लेके भी जा रहा है। और वो इम्पोर्टर की अच्छी बात बताऊँ क्या है, क्या उस इम्पोर्टर ने प्रॉफिट नहीं देगा, इसकी तारीफ करना बनती है, क्योंकि उसको काफ़ी जगहों से सस्ते रेट पे माल ना अवेलेबल था। उस इम्पोर्टर ने कराची का माल, कराची का लड़का होने का सबूत दिया, उसने कराची के बर्ड्स पहले फारिग करे एक्सपोर्ट करके, और अच्छा महंगे रेटों पे करी। यानी कि महंगे रेटों पे करने का मतलब अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया, ये कुर्बानी दी उसने। अगर उसने इम्पोर्ट करके कमाया तो उसने एक्सपोर्ट करते हुए जिम्मेदारी भी निभाई अपनी। बड़ी बात और है। वो बंदा मैं खुला नाम लेता हूँ, है अकील बुखारी। अकील बुखारी, यस, और अकील बुखारी का बहुत सारे लोग कहते हैं, ऐसे कुछ लोग पॉजिटिव नाम में जानते हैं, कुछ नेगेटिव में जानते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा इस वक्त उन्होंने एक किसी हीरो का जो किरदार है ना वो अदा किया हॉबी के अंदर, अकील बुखारी ने। मैं अच्छा माशाल्लाह। सीरियसली, अच्छा, मुझे नहीं पता था इस बात का। अच्छा, आम बंदे को पता ही नहीं है आम बंदे को नहीं कि ये पता। एक्सपोर्ट हो रहा है, कब हुआ, कहाँ से होगा, कैसे अब मैं होगा। आपको बात बताता हूँ कि ग्रीन ऑफलाइन जो अकील बुखारी साहब ने लिया वो तकरीबन 8,000 रुपये के हिसाब से था मार्केट से, सॉरी ओए ग्रीन ऑफलाइन एल्बिनो। एल्बिनो, एल्बिनो। चलो अकील बुखारी साहब को 6-6.5 हज़ार रुपये का दूसरे शहरों से अवेलेबल हो रहा था, उन्होंने कराची से उन्होंने लिया। कराची को प्रेफरेंस दी। यार वैसे आप ये मुझे इसकी बताएं कि अप्रिसिएशन बनती है, नहीं, देखें जिस चीज़ की अप्रिसिएशन बनती है बंदे को। नहीं, आई रियली अप्रिशिएट, और यस, मैं और हम समझ भी सबको जाता हूँ। अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये ज़रूरत का वक्त क्यों है? क्योंकि इस वक्त बर्ड सेल होना थोड़ा सा स्लो हो गया थे। वजह क्या थी कि मेरे पास बर्ड आया, मैंने एहसन को दिया, एहसन ने अब्दुल्ला को दिया, अब्दुल्ला ने नफीस को दिया, नफीस ने इब्राहिम को दिया। अब हम सबके पास बर्ड आ गया, अब अगले साल क्या होगा, हम सब क्या करेंगे? तो ऐसे बर्ड जमा होते रहे, फिर उसके बाद और बर्ड जमा हुए, फिर उसके बाद और बर्ड जमा हुए। अब ये जमा हुए हुए बर्ड जो ना ये फसाद का बाइस बन रहे थे, जो पोस्टें लग रही थी। अब इन बर्ड्स का तरीका ये था कि इन बर्ड्स को उठाओ और मुल्क से बाहर भेज दो, ज़रा मुबादला भी आएगा, यानी कि डॉलर्स भी आएंगे मुल्क के अंदर और ऐसे लोगों की ज़रूरियात भी पूरी होंगी। और एक चीज़ बहुत सारे लोग कहते हैं रेट्स की वजह से, देखिए ऐसा अगर आप ब्रीडर है ना, आप सीजनल ब्रीडर हैं और आपने कोई एट्रीब्यूट्स अपने बर्ड के बढ़ाए हुए हैं, आपको नहीं एक्सपोर्टर कह रहा कि आप बर्ड हैं,
कॉमन आदमी से बर्ड ले रहे हो 8-8 हज़ार रुपए के हिसाब से। अगर आपके बर्ड आप क्लेम करते हैं कि शो क्लास है, थोड़े बेहतर है, तो आप अपने पास रखें। वो जो मार्केट में ज्यादा सप्लाई हो गई थी, उस सप्लाई को हम इन लोगों ने जो है ना कम किया है, और ये बहुत अच्छा काम किया। अब क्या होगा, इस रेट पे आपको मुझे तो माल नहीं मिलेगा। अब मुझे फर्ज करो कि जोड़े चाहिए, मैं मार्केट में निकलूंगा, मुझे 8 हज़ार में कोई नहीं लेगा, 10 हज़ार में कोई नहीं लेगा, तो मेरे लिए क्या हो गया, 12 हज़ार का रेट हो गया। तो मार्केट जो है एल्बिनो की जो 8 पे आके स्टक हुई, वो 12 पे आ गई। अगर फर्ज करें एक्सपोर्ट को हम करते हैं साइड पे, अब क्या था, 8 हज़ार से 6 हज़ार पे आ जाती मार्केट। तो एक तरह से आपकी मार्केट स्टेबल हुई है, उसको हुक लग गया, वो रुक गई है एक जगह, स्टॉप हो गई है, और वहां से ऊपर जाने लग गई है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि एक आम ब्रीडर की अप्रोच नहीं, आम ब्रीडर को मिल नहीं रहा। आम ब्रीडर को 10 से 12 हज़ार का मिलेगा, जो कि उसको कम में मिलने लग गया था। यानी कि ब्रीडर टू ब्रीडर जो है ना, बर्ड 12 हज़ार का है, एक ब्रीडर या ब्रोकर टू एक्सपोर्टर बर्ड 8 हज़ार रुपए का, आप ये कंसिडर करें एक ईजी लैंग्वेज के। अच्छा, सही है। अभी यार क्या मसला है, अगर आप 100 जोड़े आपने लगाए हुए हैं, एक जोड़ा 3 बच्चे देता है, एक क्लच के अंदर 300 बच्चा आया, 300 बच्चा इंटू 8,000 करें, बहुत पैसा, 24 लाख, 24 लाख रुपए, ये छोटी अमाउंट है, बड़ी अमाउंट है, तो क्या मसला है? सही बात है, सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा काम है ये, बहुत अच्छा काम है। अच्छा, आम आदमी को ना ये नहीं पता, उसको पता ही नहीं है। वो हम लोग जो है लालू खेत गए, वहां से घर आए, इंटरनेट खोला, हमें तो अकील बुखारी का मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। यस, मतलब ये हमें नॉलेज नहीं है बेसिकली। ऐसा नहीं है कि वो बंदा फेमस नहीं है, बेसिकली हमें उस चीज की नॉलेज नहीं है। आम आदमी का देखें लेना देना नहीं है कि मार्केट में कौन बंदा आपके लिए स्टैंड किया, किस बंदे ने, और किस बंदे ने मार्केट में सिर्फ नेगेटिव न्यूज ही फैलाई। सही बात, अकील बुखारी ने स्टैंड किया कराची वालों के लिए, स्टैंड खड़ा हुआ कराची की। अच्छा, लेकिन एक बात नहीं, मैं बताऊँ, फेसबुक पे जो पोस्ट लगाने वाले ना, उन्होंने हॉबी को इतना बुरा बनाया है, कसम से लोग हॉबी छोड़ के जाने के लिए ना तैयार हो गए। इसमें देखें उसका तो नुकसान हुआ ही, हम सबका भी नुकसान हुआ साथ में। अच्छा एक बात बताऊं, ये जो आप कहते हैं ना हम कराची वाले या कराची वालों का एक्सपोर्ट हो गया, आपको ऐसे नहीं लगता कि पाकिस्तान वाले होने चाहिए? यार देखिए बात ये है, इस वक्त सबसे ज्यादा मसला जो फेस हो रहा है, वो मेरे मुताबिक और लोगों के मुताबिक जो फिजा फैली हुई है नेगेटिविटी की, वो कराची में थी बर्ड्स के रेट्स के हवाले से। और बर्ड शुरू से ही एक नॉमिनल प्राइस के ऊपर ना कराची में देखा गया, एक नॉमिनल प्राइस पे बर्ड बिकता है, लेकिन कराची में क्वांटिटी में बर्ड बिकता है। शुरू से देखा गया लाहौर में, स्पेशली पंजाब में लाहौर एक हब है बर्ड का, वहाँ पे क्वांटिटी कम होती है, रेट्स ज़्यादा होते हैं। कराची हब है, कराची के अंदर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, रेट्स हमेशा नॉमिनल थे। अब कराची के अंदर चूंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो ऑलरेडी और ज़्यादा क्वांटिटी बन गई थी, क्लस्टर पीछे से बहुत बड़ा होता जा रहा था। इस वक्त कराची को क्लियर करना प्रायोरिटी थी, और ये सही हुआ। उसके बाद डेफिनेटली यार पूरा पाकिस्तान हमारा है, ये भी कराची का, लेकिन इस वक्त जरूरत जो थी ना वो कराची को क्लियर कर। अब आहिस्ता आहिस्ता अगले में आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते रहेंगे, और शहरों से भी बर्ड कलेक्ट होते रहेंगे इंशाल्लाह। गाइज, एक दूसरे के लिए रहमत का बाइस बने, और पाकिस्तानी बनकर जीना सीख लें, क्योंकि आने वाला वक्त और भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। अली भाई की जो बात है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोला इन्होंने, और इंशाल्लाह ताला ये वक्त भी आएगा कि पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा और भी ज़्यादा इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, इजाज़त दीजिएगा।